वहीं रोना है। ये जिंदगी है और ये हंसने का रोने का एक संगम है। लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और ऐसा ही कुछ खुशी और गम के साथ लगा रहता है, कभी खुशी तो कभी गम। अब जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां आए या चारों तरफ से गम आए ये तो मुमकिन नहीं है। और फिलहाल बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर पर भी मिक्स्ड इमोशन आ रहे हैं। एक तरफ सलू मियां के फैंस को मिल रही है गुड न्यूज और दूसरी तरफ फैंस के लिए आ गई है बैड न्यूज। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर स्पेशल प्रोग्राम इन विच वी विल टॉक अबाउट ऑल द बज विच इज रिलेटेड टू दबंग खान। सलमान खान को लेकर फिलहाल दो खबरें काफी ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ये दोनों ही खबरें हैरान कर देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली हैं। एक तरफ खबर ये है कि अब सलमान खान को नया आशियाना मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से ही शुरुआत करेंगे। अब सलमान खान अपने सपनों के घर में जाने वाले हैं, दबंग खान का नया घर, वो सपनों का महल। और जैसा कि आप सब जानते हैं दबंग खान के पास पैसों की कमी तो है नहीं, ठाट बाट है, रईस है, तो ये जो नया घर है उनका वो भी काफी ज्यादा आलीशान होने वाला है। दबंग खान के नए आशियाने से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में, देखिए जरा। कभी खुशी और कभी गम तो जिंदगी का फलसफा है और फिलहाल बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के यहाँ खुशी और गम एक साथ ही आए हैं। जहाँ एक तरफ सलमान खान अपने नए सपनों के घर में होने जा रहे हैं शिफ्ट, तो वहीं दूसरी तरफ करनी सेना को लेकर सलमान खान को बड़ा झटका भी लगा है। तो चलिए पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि सलमान बहुत जल्द बांद्रा के चिंबई वाले नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जी हाँ, अब सलमान अपना गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ देंगे और बांद्रा के चिंबई वाले नए घर में शिफ्ट होंगे। बता दे आपको, कहा यह जा रहा है कि दबंग खान बीते काफी टाइम से अपने नए घर के लिए एक अच्छी जगह तलाश रहे थे। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद सलमान को रिसेंटली बांद्रा के चिंबई इलाके में देखा गया, जहां वो साइट का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। मिली जानकारी की माने तो सलमान खान, ये जो प्रॉपर्टी है सलमान के पिता सलीम और उनकी मां सलमा खान ने साल 2011 में खरीदी थी, जो कि 4000 स्क्वायर फिट में फैली है। इसकी कीमत करीब 14.4 करोड़ रुपए है, यानी जो बड़े बड़े एक्टर्स के आपने बंगले देखे हैं, अब सलमान खान का बंगला भी आपको नजर आएगा। बता दे आपको, अब सलमान और उनके परिवार वाले इस पर ग्राउंड फ्लोर के साथ 5 मंजिला घर बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ऊपर की 5 मंजिलों में हर फ्लोर पर 2 बेडरूम होंगे, 2 बेसमेंट में पार्किंग में 16 गाड़ियां खड़ी करने के बराबर जगह होगी। यानी सलमान खान के सपनों का घर, वो भी आलीशान, अब आपको नजर आएगा। बीएमसी को दिए गए प्लान के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली रूम, पेनेट्री और एंट्रेंस लॉबी होगी। ऊपर की 5 मंजिलों में हर फ्लोर पर 2 मास्टर बेडरूम होंगे। भाई जाहिर सी बात है, 4000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, तो इस पर घर भी आलीशान ही बनेगा। फिलहाल इस आलीशान घर के मॉडल को लेकर यही खबर आई है। कहा यह भी जा रहा है कि अब सलमान खान की जिंदगी की नई शुरुआत उनके नए घर से ही होगी। गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा वक्त दबंग खान ने बताया है, लेकिन अब इसे छोड़कर नए घर में शिफ्ट होने की जरूरत सलमान खान को क्यों आन पड़ी ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि सलमान खान को भी बड़े सितारों की तरह अपना लग्जीरियस बंगला चाहिए हो और इसलिए अब अपने नए आलीशान घर में परिवार के साथ सलमान खान शिफ्ट होने जा रहे हो। फिलहाल नए घर को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट खान परिवार की ओर से
नहीं की गई है, लेकिन सलमान खान क्योंकि प्रॉपर्टी का जायजा लेने पहुंचे तो इसीलिए खबर जोरों शोरों के साथ आ रही है। वेल, जैसा उम्मीद थी, सलमान खान का नया घर जब बनकर सामने आएगा तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत ही लगेगा। और जिस तरह से इस आलीशान घर को लेकर खबरें आ रही हैं, हमें तो यही मालूम हो रहा है कि सलमान खान का ये नया घर बी टाउन के बड़े सितारों के बड़े बड़े घर में बनते ही शामिल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट, अच्छी खबर पर बात हो गई, बुरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिग बॉस सीजन 13 काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रहा है और अब शो को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है। शो वल्गैरिटी फैला रहा है, लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है और ये सब कुछ सलमान खान करा रहे हैं, ऐसा कहना है करणी सेना का। बीते दिनों सलमान खान का पुतला फूका गया, दबंग खान को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और इसी प्रोटेस्ट का असर अब सलमान खान की सिक्योरिटी पर पड़ गया है और इसीलिए पुलिस की सुरक्षा गैलेक्सी अपार्टमेंट में बढ़ा दी गई है। सलूमिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की ओर से एक कदम उठाया गया है। वो कदम क्या है? सलमान खान को लेकर, बिग बॉस सीजन 13 को लेकर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब ये कहां तक पहुंचा, देखिए जरा। अब बुरी खबर क्या है, चलिए जरा ये भी बता देते हैं। बिग बॉस सीजन 13 पर बढ़ते विवाद की वजह से खतरा मंडराने लगा है सलमान खान पर। जी हाँ, डर बैठ गया है कि कहीं करनी सेना सलमान खान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन ना करने लगे और इसी वजह से सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दे आपको, करनी सेना ने हाल ही में बिग बॉस 13 को बंद करने की मांग की। उसने शो को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और कहा कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में करनी सेना ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखकर उस वीडियो क्लिप के बारे में बताया जिसमें कश्मीरी मुस्लिम कंटेस्टेंट को हिंदू फीमेल प्रतिभागी के साथ बेड शेयर करने के लिए दिया गया। करनी सेना कह रही है कि ये जो शो है ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है और संस्कृति के खिलाफ है। बता दे आपको, उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस शो की लिखित शिकायत दी, शो के प्रसारण पर रोक लगाए जाने की मांग भी की, जिसकी वजह से सलमान खान का हालांकि पुतला भी फूका गया, काफी ज्यादा तेजी से दबंग खान को लेकर ये विवाद जन्म जो ले चुका है बढ़ता जा रहा है और अब सलमान खान के घर की सुरक्षा इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए आपको बता दे, दबंग खान ने बिग बॉस सीजन 13 को लेकर कुछ नहीं कहा है। दबंग खान बिग बॉस सीजन 13 के विवाद पर फिलहाल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हर किसी को इंतजार है कि जब सलमान खान अपनी चुप्पी तोड़ेंगे तो सलमान खान आखिर क्या कहेंगे। बता दें आपको, ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान के किसी शो को लेकर विवाद बढ़ा हो, क्योंकि रियलिटी शो बिग बॉस में हर बार प्रतिभागियों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और ये बढ़ती हुई नजदीकियां हर बार विरोध प्रदर्शन का कारण बनती हैं। हालांकि सलमान खान कभी भी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, इस बार क्योंकि सीधा टारगेट दबंग खान को किया गया है तो देखना होगा वो इस पूरे प्रोटेस्ट पर क्या कुछ कहते हैं। यकीनन इंतजार रहेगा जब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर सलमान खान अपनी चुप्पी तोड़े, जब पूरे विवाद पर बिग बॉस सीजन 13 को लेकर जो भी विवाद हो रहा है इस पर सलमान खान अपने साइलेंस को ब्रेक करें, क्या कुछ कहें, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बताया हमने आपको सलमान खान से रिलेटेड एक गुड न्यूज के बारे में और एक टेंशन वाली खबर के बारे में। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट आफ्टर ऑल। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद अ मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड।